हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के यूनिट 2, जो कि है एल्जेब्रिक थिंकिंग। अब मैथमेटिक्स में ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम किस तरह सॉल्व करें, क्या लिखें, अब जो मैथ्स के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो इस वीडियो में हम इस पूरी यूनिट को डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स जानेंगे और साथ ही में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या होता है। कोई भी जो है, हमारे हर जगह आपने पैटर्न देखा होगा, जिराफ आप सबने देखा होगा। तो जिराफ क्या होता है, उसके अलग अलग उसकी बॉडी पे पैटर्न बना होता है। ऐसे हमारे घर में कर्टेंस होते हैं, उसमें अलग अलग पैटर्न होता है और डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न हमने देखे हैं। अब ये पैटर्न का क्या काम है, इसमें देखो, मान लो हम एक एग्जांपल से ही शुरू करते हैं, इजी हो जाएगा। एग्जांपल में हमने लिया, जैसे एक पैटर्न है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न गिवन है जिसमें हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि क्या हो रहा है, हर एक में 5 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया, एकदम ऑब्जर्वेशन हमारी हो गई। अब जब हम इस पैटर्न से क्या करते हैं, हम रूल बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, उसे कहते हैं न्यू पैटर्न फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बनाने के बाद हम एक जनरलाइज टर्म यूज़ करते हैं, मीन्स उसको जनरलाइज कर देते कि जब भी हमें इस ये वाला पैटर्न हमें अप्लाई होगा तो हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम वो फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे या एक रूल बनाएंगे। ठीक है, मैंने देखा कि हर बार 5 बढ़ा है, तो मींस अगर 1 नंबर पे है तो 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 5 आ रहा है, 2 नंबर पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 10 आ रहा है, 3 नंबर पे है तो 15 आ रहा है। तो मैंने एक क्या बनानी है, रूल बना लिया कि हर एक नंबर को 5 से, मतलब जिस प्लेस पे वो होगा, फर्स्ट प्लेस पे है तो सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर, सेकेंड प्लेस पे है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 5 को। अब जनरलाइजेशन क्या हुआ, जनरलाइजेशन का मतलब होता है जब हम इस टर्म को, ये जो n है, हम इसको n नाम दे देंगे इन 1, 2, 3 को। अब ये n क्या हुआ, n जो है ये हमारा वेरिएबल होगा जो कि चेंज होता रहेगा। अब वेरिएबल क्या होता है ये भी हम आगे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो n बोला हमने, हमने बोला कि जो रूल, अब इससे जो जनरलाइजेशन हमने निकाली है, जनरल रूल इसका फॉर्म किया है, तो हमने लिखा 5n। मतलब अगर इस वाली एग्जाम्पल में, इस वाले पैटर्न में हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10th टर्म फाइंड करनी है, तो मैं सिंपली जो n है वहां पर 10 को रख दूंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा, मीन्स 10 टर्म 50। अब ये n क्या था यहाँ पे, यही तो हमने जनरलाइज किया था कि n जो है यहाँ पर शो कर रहा है कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, विच नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, 20th, 50th, जो सी भी नंबर ऑफ टर्म है। तो इस तरह हम निकालते हैं, हम करते हैं पैटर्न। अब आपने देखा कि हम जब ये जनरलाइजेशन कर रहे हैं, पैटर्न से हम रूल बना रहे हैं, तो हमने ना अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया। जो हमने जिन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। जब हम ए बी सी डी पी क्यू एम एन जो भी अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं एक रूल को जनरलाइज करने के लिए, उसे हम एलजेब्रा नाम दे देते हैं। उस न्यू ब्रांच को मैथ्स में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इस ब्रांच को नाम देते हैं एलजेब्रा, और इसी को हम कहते हैं एलजेब्राइजेशन। अब हमने क्या कर लिया, एलजेब्राइजेशन कर लिया, मीन्स हमने जान लिया कि जब हम जो मैथमेटिकल्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पैटर्न को जनरलाइज कर रहे हैं, वो किसकी मदद से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा। ये तो आ गया होगा आप लोगों को समझ। लेकिन अब जो है क्या होता है, हमने जनरलाइजेशन कर लिया, मींस हम एक पर्टिकुलर टर्म को अब फाइंड कर सकते हैं उस पैटर्न में, जैसे कि हमने अभी 10th टर्म फाइंड की थी। लेकिन जब हमें एक रूल गिवन है, जनरलाइज रूल से हमें पैटर्न बनाने को बोले, तब हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, हमें जनरलाइज रूल से पैटर्न फॉर्म करना है। अब हमें एक रूल दे दिया x+3, इट मीन्स यहाँ पे x क्या है हमारा, वो वेरिएबल जो हमने अलजेब्रा हमने बोला था कि जनरलाइज करने के लिए जो हमने बनाया था रूल। अब ये रूल हमें मिला हुआ है, हमें एक पैटर्न बनाना है। तो रूल में ये क्या था, जो ये वाला नंबर था, ये जो वेरिएबल था, ये शो कर रहा था नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन सी टर्म है, विच टर्म है ये। अब मान लो अगर मुझे 5th टर्म निकालनी है तो मैं 5 पुट करूंगी, 5+3=8, तो मेरे को कौन सी टर्म मिल गई, 5th। ऐसे ही मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो 1+3 क्या हो जाएगी, 4। ऐसे ही 2+3 5। तो मींस इसमें हमें वैल्यू को क्या करना है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो ये हो गया हमारा जो है जनरलाइज रूल से जाके हमें किस पे जाना है, पैटर्न पे। अब कुछ स्पेशल टाइप के नंबर पैटर्न होते हैं, जैसे कि स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर में आपने देखा होगा कि 1 का स्क्वायर,
वन, टू का स्क्वायर टू। इसमें पैटर्न क्या नजर आ रहा है कि एक नंबर इंटू दूसरा नंबर, जो भी नंबर है उससे इंटू करना है। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो मीन्स इसका हमारे पैटर्न क्या बनाया, n स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही हम क्यूब के फॉर्मूला बना सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज बुक में गिवन है। अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम जो है क्या, मतलब ये जो हम ये सब कर रहे हैं ये कर क्यों रहे हैं। ये हम मैथमेटिकल टर्म्स को या फिर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके एक फॉर्मूला, एक रूल बनाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया, रूल कैसे बनता है ये बना लिया, पैटर्न देख लिया, लेकिन एक चीज़, एक टर्म आती है फंक्शनल रिलेशन। फंक्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है? फंक्शनल रिलेशन का मतलब है जब दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। मैथमेटिक्स में इसे हम फंक्शनल रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हें अपनी नानी के या अपनी दादी के घर पे जाना है, तो अब आपको जाने में कितना टाइम लगेगा? आप ऐसे बता दो कि कैसे बताओगे, आप एक चीज़ कैलकुलेशन करोगे अपने माइंड में कि कितनी दूर है, मीन्स डिस्टेंस कितना है, और मैं कितनी तेज़ी या कौन से व्हीकल से जा रहा हूँ, मीन्स कितनी स्पीड है। तो मीन्स जो आपसे मैंने ड्यूरेशन पूछी, टाइम पूछा, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारे स्पीड और डिस्टेंस से। तो मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया ना। कि अब क्या रिलेशन दिखा, देखो फंक्शनल रिलेशन में क्या हुआ, डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो किससे है, स्पीड से है, और सॉरी ड्यूरेशन का जो रिलेशन है वो किससे, स्पीड से है और डिस्टेंस से है। तो अब ये जो रिलेशनशिप कहलाता है, इसे कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। अब बहुत सारे फंक्शनल रिलेशनशिप होते हैं, सिर्फ एक ही हम रिलेशनशिप को फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है एक सब्सटेंस, आपने कोई चीज़ खरीदी है, उसका प्राइस किस पर डिपेंड होगा कि उसमें आपने कितनी चीज़ खरीदी है, मतलब कितनी क्वांटिटी और उसका क्या रेट है। तो ये भी क्या है, एक फंक्शनल रिलेशन है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, बुक का ही एक एग्जांपल है। हमें एक स्क्वायर गिवन है कुछ इस तरह, ठीक है। अब मान लो ये क्या दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। अब पैटर्न्स के बीच में भी क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। अब मान लो मैंने बोला कि इस, अगर मैं एक, सिर्फ एक रेक्टेंगल की बात करूं, तो एक रेक्टेंगल है और इसी रेक्टेंगल में कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, और इसी में कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट कितने हैं, 5 है, ठीक है। अब लेकिन ये तो हमने नॉर्मल लिख दिया, बट अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप क्या करोगे, एक फंक्शनल रिलेशनशिप का यूज करोगे। मींस आप उसको एक्सप्लेन जिस वे से कर रहे हो कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं, वो होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। अब मान लो आपने बोला कि 2 ट्रायंगल किसके बराबर है, 1 रेक्टेंगल, तो ये क्या बन गया, एक फंक्शनल रिलेशनशिप। अब जो हम फंक्शनल रिलेशनशिप है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत, मतलब ये क्वेश्चन हमें इससे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिग्निफिकेंस बताओ किसकी, फंक्शनल रिलेशन की। पहले तो ये क्या करता है, 2 क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताता है, 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर भी कर देता है कि ये इससे ज़्यादा ये इससे कम है, तो 2 कंपेयरिंग के लिए भी यूज़ होता है। ये जो है अननोन टर्म्स को फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है, मीन्स हमें कोई टर्म पता नहीं है तो हमें दूसरी टर्म फाइंड करनी है, तो अननोन टर्म्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। और ये हमें जो है अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है, क्वांटिटीज़ है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है या फिर क्या डिफरेंस है ये बताता है। साथ में जो है हमारे डेली लाइफ के जो डिसीजंस है उसको लेने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने प्राइस वाली बात की थी कि हम एक सामान का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं कि वो उसका रेट क्या था और कितना सामान हम लाए हैं, तो इस तरह से वो होता है। तो ये डेली लाइफ में भी हमारे काम आता है, तो ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। अब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इवन हर एक जो लास्ट ईयर पेपर है उसमें ये क्वेश्चंस था ही कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल का मतलब। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को हम सिंपल टर्म्स में जानेंगे कि जो हमारे अल्फाबेटिक टर्म्स होती है या सिम्बल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल BCA XYZ, ये जो टर्म, मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब इसी को बोल देते हैं, मतलब कोई भी अल्फाबेट को उठा के बोल दें, नहीं, देखो इसमें एक चीज़ और होती है, जो अल्फाबेट्स होते हैं ना उसकी वैल्यू है कोई फिक्स नहीं होती है। मतलब देखो ये हमने एक एग्जांपल लिया था कि 5n जो हमने नंबर पैटर्न पढ़ा था, अब इसमें जो n था वो फिक्स नहीं था, मतलब उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं थी। हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो नंबर पुट करेंगे वो नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, और इसका जो है वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो ये न्यूमेरिकल टर्म्स ही होती है, लाइक 4 5
5, 1, 2, अब इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, 4 को तो 4 ही बोलेंगे ना, n की जगह तो हमने कोई वैल्यू पुट कर दी थी, लेकिन 4 की जगह तो हम 4 ही लिखेंगे ना, अगर 4 बोला गया है तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो इनमें डिफरेंस यही होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ये हमारे यूज होते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया गया है कि एडिंग 8 टू अ नंबर, अब आपको क्या पता कौन सा नंबर है, ये हमने फिक्स सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, हमें जो है बोला जाता है कि ऐसे ऐसे फॉर्म करो, इक्वेशंस फॉर्म करो, तो इक्वेशंस फॉर्म करने में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है ये हमें जनरलाइज करने में हेल्प करता है नंबर पैटर्न, अभी हमने पढ़ा था जो नंबर पैटर्न उसको जनरलाइज किससे किया था हमने, इस वाले नंबर से, और इसमें क्या था, एक कॉन्स्टेंट था और एक वेरिएबल था। और हमारे को ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि हमारी डेली लाइफ सिचुएशंस में, एल्जेब्रिक फार्मूला को पूरा एक्सप्लेन करने में, 2D और 3D शेप्स के एरियाज फार्मूलाज बनाने में हेल्प करता है, साथ में अर्थमेटिक्स में भी ये हमारे लिए यूजफुल होता है। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक वही होती है जो हमने इनकी मीनिंग में जाना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये नंबरिक टर्म में होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये अल्फाबेटिक टर्म में होती है, और इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती, और साथ में इनका यूज़ क्या होता है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एल्जेब्रिक, अर्थमेटिक और 2D 3D शेप्स के फॉर्मूला बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब जो है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलाकर एक इक्वेशन बनाते हैं, उसे कहते हैं हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको इसकी डेफिनेशन बोलूँगा, अगर एग्जाम में आते तो हमें लिखना है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम ऑफ ऑल ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से होते हैं हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाले सम, इनको यूज़ कर हम जो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट को यूज़ कर एक इक्वेशन बनाते हैं, उसे बोलते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन जब हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक नंबर है उसमें 10 ऐड करना है, तो एक नंबर हमने मान लिया, लेट उस नंबर को कर लिया एक्स, उसमें मुझे 10 ऐड करना है, जब मैं उसमें 10 ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनी ना, यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट, और एक हो गया इक्वल का साइन, और यहाँ पे एक प्लस, मतलब हमारा एक फंडामेंटल ऑपरेशन भी यहाँ पर यूज़ हो गया, यही इसने बोला था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। तो इस तरह जो है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती है, टर्म्स देखो क्या होती है, ये जो सेपरेट नम है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, वो सभी टर्म्स होगी, और टर्म्स सेपरेट किससे होती है, प्लस और माइनस के साइन से होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन इसमें नहीं हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है 6th, 7th, 8th में ये पढ़ा भी होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब उसमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये क्या होते थे, टर्म्स के बेसिस पे डिवीजन। तो उसको भी मैं बता देती हूँ, मान लो टर्म्स, अगर हमारे पास एक टर्म है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें दो टर्म है उसे बोलेंगे बायोनोमियल, जिसमें तीन टर्म है उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर खाली एक्स है या खाली 4x है या 5x स्क्वायर है, तो ये सारे मोनोमियल हो जाएंगे, बायोनोमियल 5x प्लस 4, मतलब जहाँ पर एक साइन आ जाएगा प्लस या माइनस का तो क्या हो जाएगा, वो बायोनोमियल, और जहाँ पर दो बार प्लस माइनस आ जाएंगे -40, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल। तो ये सारी तो थी हमारी टर्म्स के बारे में। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ में नंबर होता है। फॉर एग्जांपल एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, इसके साथ में नंबर क्या है, अगर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स उसके साथ में 1 है, तो 1 यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे कोएफिशिएंट। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स वो होती है, लाइक टर्म्स वो होती है जिनके सबकी पावर सेम होती है एक टर्म में। फॉर एग्जांपल एक्स एक्स वाली सारी टर्म्स वो हो जाएगी लाइक टर्म्स, और पावर भी उनकी सेम होनी चाहिए। लाइक मैंने ले लिया 4x, 5x, 9x, 2x, ये सारी क्या हो गई, लाइक टर्म्स। बट अगर यहाँ पे जैसे स्क्वायर आ गया या 4y हो गया, तो ये हो जाएगी अनलाइक टर्म्स। अब बात करते हैं हम एक सिंपल लीनियर इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं या उसको कैसे बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है हम अननोन टर्म्स को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं आपके, वेरिएबल्स भी होते हैं, हम ऐसे बोल, अच्छा, और लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, जो पूरी इक्वेशन होगी उसकी डिग्री क्या रहेगी, मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या रहेगी, उसकी पावर रहेगी 1। अब हम ऐसे कह सकते हैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है, ये कह सकते हैं कि इसको
हम अल्जेब्रिक फॉर्म में, अल्जेब्रिक फॉर्म में कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज़ करके हम बनाते हैं, और इसमें एक सिंगल वेरिएबल होता है, मतलब अगर एक्स है तो पूरी टर्म में एक्स होगा, वाई है तो पूरी टर्म में वाई होगा, ये नहीं होगा एक्स और वाई अलग अलग, तो सिंगल वेरिएबल होती है इसमें, और इसकी डिग्री जो होती है वो वन होती है, मीन्स पावर जो होती है वेरिएबल की वो वन रहती है। अब मान लो हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है, कैसे करते हैं, सबसे पहले अननोन क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला था एड 5 टू अ टर्म, और जब हम ऐड करेंगे 5 टू अ टर्म वी विल गेट 20, तो इट मींस हमें क्या बोला कि हमें एक टर्म में ऐड करना, मीन्स एक क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है, तो लेट द क्वांटिटी एक्स, उसको क्या कर लिया हमने, एक्स कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है जो हमें बोला है कि ऐड करना है, ऐड का ऑपरेशन बोला है, तो हम करेंगे ऐड 5 टू अ टर्म, एक टर्म में 5 ऐड किया तो यू विल गेट 20 मिलेगा, तो मींस इक्वल टू 20, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन मिल गया, और ये वाली साइड हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फॉर्म करनी है, इक्वल का साइन होना है, वेरिएबल होना है, और हमारे पास एक कांस्टेंट होना है, तो ये क्या बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना। अब एग्जाम में आ जाएगा तो हमें ऐसे बना के दिखानी, ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा, लिखोगे कैसे, तो आप वैसे लिखोगे कि हमें एक अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है, अब ऑपरेशन अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फॉर्म करनी है, और उसके बाद उनको एक इक्वेशन के थ्रू, मीन्स एक इक्वालिटी साइन के थ्रू उसको शो करना है, तो ये चार स्टेप्स के थ्रू हमारा एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब लीनियर इक्वेशन मिल गई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, और ये तीनों ही एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि हाउ यू विल सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। तो मेथड का पहला नाम है ट्रायल मेथड, नाम से पता है, जिसमें हम ट्राई करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, और थर्ड मेथड है हमारा ट्रांसपोजिशन। अब इन मेथड्स में करते क्या है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है ट्रायल मेथड, नाम से ही पता चल रहा है ट्राई करना है इसमें। अब मान लो यही इक्वेशन हम मान के चलते हैं, और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग ट्रायल, ट्राई करते हैं। पहले ट्राई में क्या करते हैं, हमें एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू खुद से ट्राई कर करके पुट करनी होती है। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी 1 + 5 = 20, नहीं आया, ये 6 आया, 20, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, तो मींस ये ट्रायल हमारा गलत हो गया। फिर हम दूसरी वैल्यू सोचेंगे, फिर हम तीसरी, फिर हम चौथी, ऐसे डिफरेंट ट्राई करेंगे। अब मान लो आप खुद, ये तो इजी सी इक्वेशन है, तो अगर 5 में क्या ऐड करेंगे, 20 आ जाए, तो हमने मान लो ट्राई करके 50 + 5 = 20 हमने निकाल लिया, तो मींस 20 = 20, ये हो गया हमारा सॉल्व, ये हो गया, तो ये हो गया ट्रायल मेथड से सॉल्व। लेकिन ट्रायल मेथड जो है, कभी कभी ट्रायल मेथड की वजह से सॉल्यूशन नहीं भी आते, और ये बहुत लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है, तो हम इसको कम से कम यूज़ करते हैं, ये छोटे सॉल्यूशन या स्मॉलर क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि अभी हमने फाइंड कर लिया। लेकिन बड़ी क्वांटिटी के लिए हम दूसरे मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड हमारा होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसी में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, बोथ साइड पे ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। मान लो यही x + 5 = 20, हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू मीन्स लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड पे या तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, खाली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से अगर ये 5 हट जाए, गायब हो जाए, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को माइनस कर देंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई कर रहे हो वो उस साइड भी इक्वल टू के अप्लाई होगा, तो x + 5 - 5 = 20 - 5 5 से कैंसिल, x = 15, हमारे पास x आ गया 15, यहाँ पर भी हमारे पास क्या था x 15, ये हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड जो है ट्रांसपोजिशन, पोजिशन, नाम सुनो, पोजिशन मीन्स पोजिशन चेंज करनी है हमें अपने टर्म्स की। सबसे इजी मेथड होता है, ज़्यादा यूज होता है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, और जो हमारे सॉल्यूशन है वो इजीली इसके थ्रू फाइंड हो जाते हैं। तो अगर पूछ ले कि बेनिफिट बताओ ट्रांसपोजिशन के, या पूछ ले कि आप कौन से मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पसंद करेंगे, तो आप ट्रांसपोजिशन मेथड लिख देना, और उसके बेनिफिट लिख देना कि ईजी होता है, लेस टाइम कंज्यूम करता है, मतलब आंसर भी हमें इजीली उससे मिल जाता है। अब करके देखते हैं ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं। ट्रांसपोजिशन इसमें क्या करेंगे, हम जो टर्म हमारे पास होगी, इसको हम इससे लार्ज क्वांटिटी वाले नंबर भी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अगर यहाँ पर जो टर्म है वो उधर इक्वल टू किस साइड, ट्रांसपोजिशन करनी है ना, तो इस टर्म को मुझे वहाँ लेके जाना है। जैसे ही मैं टर्म को ट्रांसपोज करूँगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन कैसे होगा, प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाएगा, और डिवाइड
मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 5 प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू 50। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, तो इजीली हो रही है। आप जो है खुद से बुक में बहुत सारे एग्जांपल है उनको सॉल्व करना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड वैसे ही इजी है कि हम इजीली सॉल्व कर दें। तो ये था हमारा पूरा सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड या उसको बनाने का मेथड। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक थिंकिंग की। एल्जेब्रिक थिंकिंग का मतलब होता है जब हम कांस्टेंट वेरिएबल को या फिर जनरलाइज वाले फॉर्मूले को यूज़ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसे एल्जेब्रिक थिंकिंग करते हैं। मतलब हम बेसिकली यूँ कह सकते हैं जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, मीन्स वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का यूज़ करके किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है वो एल्जेब्रिक थिंकिंग, मीन्स सॉल्यूशन करना, फाइंड करना सॉल्यूशन, इसे कहते हैं एल्जेब्रिक थिंकिंग। अब एल्जेब्रिक थिंकिंग जो है उसमें जो है काफ़ी सारी फॉर्म्स होती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फॉर एग्जांपल मान लो सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। फॉर एग्जांपल ये जो हमने अभी एग्जांपल ऑलरेडी किया था, जैसे एड टू टू द नंबर टू गेट 10, एक नंबर में ऐड करना है 2, 10 लाने के लिए तो कौन सा नंबर है वो, ये हो गया ये इक्वेशन बनाने के लिए। सेकंड जो है वर्ड प्रॉब्लम को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉर्म करने के लिए, हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाती है और बोल दिया जाता है इसको सॉल्व करो। तो जैसे कि एग्जांपल में हो गया कि हमें बोला गया एक स्टूडेंट है, उसके पास एक बॉक्स है, उसमें 6 पेन है और उसने जो है 12 बॉक्सेस में वो पेन डाले हैं, तो बताओ कितने डाले होंगे। तो मान लो एक बॉक्स में कितने हैं 6 पेन, तो 12 बॉक्स में कितने होंगे 12 × 6, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये जो हो जाएगी ये भी किसका फॉर्म है, एल्जेब्रिक थिंकिंग का यूज करके हमने सॉल्व किया है। वर्ड प्रॉब्लम कन्वर्टेड टू लीनियर इक्वेशन, वो जो हमारे वो वाले क्वेश्चंस होते थे कि अरुण के फादर की एज एक्स है तो अरुण जो है उनसे 5 साल छोटा है, उसकी एज क्या होगी, तो ये वाले क्वेश्चंस, मींस वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना। अब इसमें बिल्कुल ईजी सी है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर एक्सीड करता है अनदर नंबर बाय 3, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 ज़्यादा है। तो मान लो एक नंबर एक्स है और दूसरे नंबर से जो है कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, एंड देयर सम इज 27, और जो उनका सम है वो कितना है 27। एक नंबर है एक्स, उसमें जब दूसरा नंबर है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, एक्स प्लस 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 27। तो ये बन गई इक्वेशन, इसको सॉल्व करना हमने सीख लिया कौन से मेथड से, बाय ट्रांसपोजिशन और बाकी भी मेथड से, बट हम यूज़ कौन सा करेंगे ट्रांसपोजिशन। और हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, हम वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशंस बनाने में कर लिया हमने। साइमल्टेनियस का मतलब होता है जो दो बार, मतलब एक इक्वेशन बनी तो इजीली सॉल्व कर ले, तो कभी कभी इक्वेशन में क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनती है, तो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उनको बनाना, इसमें भी हमारी एल्जेब्रिक थिंकिंग का यूज होता है। और जो है हमारे नेक्स्ट पजल्स को सॉल्व करने में, ग्राफ्स को सॉल्व करने में और बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारा ये एल्जेब्रिक थिंकिंग का यूज़ होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो कॉन्सेप्ट्स है, जो भी एग्जांपल्स है वो समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो है अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।